एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि ऐड क्या है, आप्ट क्या है, ऑप्ट क्या है और लीड टू क्या है और लेड टू क्या है। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। आइए सबसे पहले देखें कि ऐड क्या है। ऐड का मतलब होता है मदद या मदद देना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो हमें ज्यादा मदद की जरूरत है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वी नीड मोर ऐड, यानी हमें ज्यादा मदद की जरूरत है। अगर आपको कहना हो मुसीबत ये है कि वे सहायता नहीं देना चाहते हैं, यानी वे मदद नहीं करना चाहते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द प्रॉब्लम इज दैट दे डोंट वॉन्ट टू ऐड, यानी मुसीबत ये है कि वे मदद करना नहीं चाहते हैं। यह आपने देखा कि वर्ड ऐड का मतलब हुआ मदद कर, यानी यहाँ आपके सेंटेंस में आया वर्ड ऐड एक वर्ब का काम कर रहा है, जबकि आपके पहले सेंटेंस में वर्ड ऐड का इस्तेमाल हमने एक नाउन के जैसे किया, क्योंकि वर्ड ऐड एक नाउन भी है एक वर्ब भी है। अगर आपको कहना हो तुम्हारे शहर में मदद करने का रिवाज बहुत खराब है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे टू ऐड सिस्टम इज वेरी बैड इन योर सिटी, यानी तुम्हारे शहर में मदद करने का रिवाज बहुत खराब है या बहुत बेकार है। आइए फ्रेंड्स अब सीखे कि आप क्या है। वर्ड आप्ट का मतलब होता है एबल, यानी योग्य या लायक। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो कि वह इसके लिए लायक थी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी वाज आप्ट फॉर दिस, यानी वह इसके लिए लायक थी। अगर आपको कहना हो कि तुम इसके लिए लायक नहीं हो या योग्य नहीं हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर नॉट आप्ट फॉर दिस, यानी तुम इसके लिए लायक नहीं हो। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस के लिए ये भी कह सकते हैं यू आर नॉट एबल फॉर दिस, यानी तुम इसके लिए लायक नहीं हो। तो जो मतलब आप्ट का वही मतलब एबल का। इन दोनों को आप एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कहना हो कि तुम उस काम के लिए लायक नहीं हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर नॉट आप्ट फॉर दैट जॉब, यानी तुम उस काम के लिए लायक नहीं हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको आप्ट का मतलब समझ में आया कि आप्ट का मतलब होता है लायक यानी योग्य। आइए अब सीखे कि ऑप्ट क्या है। वर्ड ऑप्ट का मतलब होता है चुनना या इस्तेमाल करना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो आप इस फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इस फेयरनेस क्रीम को चुन सकते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू कैन ऑप्ट दिस फेयरनेस क्रीम। अगर आपको कहना हो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ऑप्ट फर्स्ट देन बिलीव, यानी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपने समझा कि ऑप्ट क्या है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तीन वर्ड सीखा कि ऐड क्या है, आप्ट क्या है और ऑप्ट क्या है, और बाकी के बचे दो टॉपिक जो है लीड टू या लेड टू, इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप लीड टू या लेड टू के बारे में नहीं जानते हैं तो आई के सिंबल में मैंने उस वीडियो को रखा है जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह लेसन आपको शानदार तरीके से समझ में आया। ऐसे बहुत सारे लेसन जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।